फैजल भाई, ये मेरे सारे कबूतर हैं, ये सब सेल के लिए हैं। मैं कबूतर अपने सारे हटा रहा हूँ और इसमें हर तरीके के कबूतर है। डिटेल मैंने आपको भेज दी है। कोशिश करिए कि सारे पेयर आपको दिखाए जाए, लेकिन मैं अकेला था तो मैं जितना बना पाया उतना बना दिया, 10-12-15 पेयर का। बाकी और पेयर है, लगभग 20-22 जोड़े होंगे कबूतरों के सेट पेयर। अंडे बच्चों की फुल गारंटी है और जो दिखाई जा रही है चीज वही मिलेगी, इसकी भी गारंटी है और हम भी गारंटी ले रहे हैं। फैजल भाई भी इसी इसकी गारंटी ले रहे हैं और ये वीडियो जो है सिर्फ सोल्जर कबूतर के नाम से पे ही जाएगी और उसी पे इसको पक्का माना जाएगा। बाकी अगर कोई एडिट करके या कुछ दिखाता है आपको तो वो उसके जिम्मेदार ना हम है ना फैजल भाई है। ये कबूतर आपको 1100 रुपए के हिसाब से मिलेंगे और जिस भाई को लेना हो, एक साथी लेगा, वही फोन करेगा, अनायास कोई फोन नहीं करेगा। जिसको लेना होगा हमसे संपर्क कर ले या फैजल भाई से संपर्क कर ले, बात एक ही है। जो दिखाई जा रही है चीज वही मिलेगी और सब गारंटी वाली चीज मिलेगी आपको, क्योंकि मेरा कलेक्शन है, मैं शौकीन आदमी हूँ, मैं बेचने खरीदने वाला मेरे पास काम है नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है, इसलिए मैं कबूतर हटा रहा हूँ। तो जो भी भाई लेना चाहता हो वो कबूतर सब ले सकता है। होम डिलीवरी नहीं हो पाएगी उसके लिए, सॉरी है, जिसको लेना हो वो खुद आके ले जाए। कबूतर भी ज़्यादा है, लगभग 50-52 के आसपास होंगे। पट्ठे भी हैं इनमें उड़ने वाले, वो मैंने इस गर्मियों के लिए रखा था, जैसे ये बैठा हुआ, ये रामपुरी में का है, जामनी में का। और बहुत सारे पट्ठे हैं नीचे, कलदुमा पट्ठा बैठा हुआ है देखिए, और ऊपर से पट्ठे ही पट्ठे बैठे हुए हैं। ये सब उड़ने वाली चीज़ है, ये गर्मियों के लिए मैंने उड़ाने के लिए रखी थी, लेकिन चूंकि मैं हटा रहा हूँ तो सब साथ में ही जाएंगे। पट्ठों का अलग हिसाब रहेगा, पट्ठे का 500 रुपए के हिसाब से दिया जाएगा। बाकी जो ब्रीडे है वो सब साथ में ही जाएंगे और 1100 रुपए के हिसाब से जाएंगे। तो जो भाई इंटरेस्टेड हो वही कॉल करेगा जिसको लेना होगा, और रेट के लिए भाई कोई कम कराने के लिए फोन न करे। देखिए थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन अब बहुत ज्यादा सोच के आप फोन करें कि 500, 600, 800 में मिल जाएंगे तो कबूतर नहीं मिलने वाले हैं। 1100 के हिसाब से है तो मुश्किल इसमें 10-20 रुपए में मैं कम कर सकता हूँ, बस इससे नीचे नहीं जाऊंगा। जिस भाई को लेना हो ये सोच के ही फोन करें, और लेना हो तभी फोन करें। तो ये वीडियो सिर्फ सोल्जर कबूतर चैनल पे ही पड़ेगी, उसी को पक्का माना जाएगा। अगर और कोई एडिट करके डालता है तो उसकी गारंटी, उसके जिम्मेवार ना हम है ना फैजल भाई है, और जो चीजें इसमें दिखाई जा रही है वही दी जाएंगी। बाकी कोई अगर आप वेलकम टू माई चैनल सोल्जर कबूतर में आप सभी का स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है फैजल खान और आप देख रहे हो सोल्जर कबूतर चैनल को। तो आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, एक मिनट रुकिए। दोस्तों आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं, और आज जो वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इसमें रामपुरी कबूतर है, लाल अंबर से रहे हैं, शाहजहांपुरी कबूतर हैं, इलाहाबादी कबूतर हैं, इलाहाबादी कल्परे कलदुमे कबूतर हैं, और सहारनपुरी और भी बहुत सारी ब्रीड हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और मैं एक चीज आप लोगों से जरूर कहना चाहता हूँ, ये कबूतर जितने भी सारे हैं एक साथ में बिकेंगे, और इनका जो एड्रेस है वो बलरामपुर है, उतरौला बलरामपुर। तो आप उनके घर जाकर सारे कबूतर चेक करिए, फिर उसके बाद में ये कबूतर खरीदिए, क्योंकि जो भी कबूतर हैं सारे के सारे एक साथ में बिकेंगे। क्योंकि 2-4 कबूतर हों तो डिलीवरी हो जाती है, बट अगर आप सारे कबूतर 50-52 कबूतर एक साथ में खरीदोगे तो इतने कबूतर की डिलीवरी अभी नहीं हो पाएगी एक साथ में। तो आप लोग उनके घर पे जाकर ही कॉन्टेक्ट करें और देखें अपने आंखों से कबूतर, फिर आप खरीदें। तो कबूतर सारे अच्छे हैं इसकी जिम्मेदारी मेरी है, और कोई भी कबूतर जो जितना बताया जाएगा उतना ना निकले तो आप कबूतर वापस करके पैसे ले सकते हैं, लेकिन आपको जाकर ही घर पर खरीदना पड़ेगा। तो ये वीडियो देखो और सारी वीडियो पूरी देखना, क्योंकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाएं, फिर कॉल करिएगा, नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा। और देखने के बाद में अपना एक कमेंट जरूर छोड़ना कि कबूतर कैसे थे, खरीदना या ना खरीदना वो आपकी मर्जी है। तो आज वीडियो देख लो आप। फैजल भाई एक जोड़ा ये है, ये रामपुरी कल्चर है, जिनको लोग जामनी भी कहते हैं। बिल्कुल जब इसको धूप में आप देखेंगे तो इनकी जो शेड आती है बिल्कुल बैगनी रहती है। ये देखिए रामपुरी ओरिजिनल जो चीज़ें हैं मेरे पास, और कहने के तो लोग रखते हैं रामपुरी देते भी हैं,
लेकिन अब कोई बेचने खरीदने वाला काम है नहीं, चूंकि मैं हटा रहा हूँ तो ये कबूतर मेरे यहाँ से जा रहे हैं। उन्हें ऐसा कोई चीज अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि मेरे यहाँ से कोई खरीद ले पंख, मैं बेचने वाला आदमी हूँ नहीं, हटा रहा हूँ इसलिए मैं दे रहा हूँ। फजल भाई एक पैर ये है, ये रामपुरी गोल्डन है, ये मादा 3.5 में तक उड़ी हुई है जून में, ये मोहर लगी हुई है, रंग लगा हुआ मोहर तो खैर अब नहीं रहा, ये रामपुरी गोल्डन है ओरिजिनल, जिसको कहते हैं गोल्डन ओरिजिनल रामपुरी। फैजल भाई एक जोड़ा ये है रामपुरी गजरे ओरिजिनल, बहुत पुराने उस्ताद वहाँ के हैं, उन्होंने हमको दिए थे और इनके अंडे बच्चे ही हम कराते हैं। इनके पट्टे 6-7 घंटे तो मामूली चीज़ है, गर्मियों में जाड़ों में नहीं, जाड़ों में तो उतर ही नहीं पाएंगे, 6-7 घंटे गर्मियों में पट्टे इनके होते मैचों में लगते। इनके वो जो लाल वाला दिखाया था आपको, जामनी दिखाया था, एक पेड़ मेरे पास रामपुरी और भी है, 4 पेड़ मेरे पास सिर्फ रामपुरी रामपुरी है। एक जोड़ा ये है कलदमों का साफ आंख में, यह पहचानते होंगे आप, ये आप ही क्या की है, ये संभल वाले कलदमे हैं और इसके पट्टों के बारे में आप खुद बताइएगा सबको, कितना बढ़िया रिस्पांस है इनका, कितना उड़ते हैं, आप ही घर की चीज है ये, गर्रा पैर हो ये। फजल भाई एक पैर ये है, फजल भाई ये लाल अंबर से रहे हैं जले हुए, अब इनकी तारीफ मैं ज्यादा नहीं करूंगा, इतना मैं बताऊंगा कि इसका पट्टा मेरे यहाँ से 9 महीने पहले निकला हुआ था, आज भी दौड़ रहा है, इतनी मजबूती है इनके पट्टों में, ये मादा है ये नर, जले हुए पर जो होते हैं ये देखिए। कबूतर सब कहीं हड्डी पड्डी कुछ नहीं, सब मजबूत, ना कोई बीमार ना कुछ, खाए पिए सब बढ़िया, दाना मैं अच्छा खिलाता हूँ, मैं एक बार दाना भी दिखा दूँ आपको, अभी आज खत्म हो रखा है, लेके आएंगे शाम को। ये देखिए इसमें 9 तरह के दाने मिले हुए हैं, साथ में मैं बादाम का तेल भी इसमें मिलाता हूँ, बादाम का तेल भी रखा हुआ है मेरे पास, वो सारी चीज़ें मैं मिला के देता हूँ, ठीक है फजल भाई, और दिखाते हैं आपको कुछ चीज़ें। एक पैर फजल भाई ये है, ये जालदार में के हैं, भरे जालदार, ये नर मेरे यहाँ उड़ा हुआ है गर्मियों में, बहुत अच्छी परवाह देता है और बहुत बढ़िया उड़ता है, इसकी उड़ान देखने लायक है। ये नर है टेडियो में कर, टेडी नहीं है, क्रॉस में है, लेकिन इसकी खड़ान, इसके पर, इसके पंजे बेहिसाब है भाई साहब, ये देखिए लाल खुश पंजे, पर बढ़िया, हड्डी बंद जो कबूतरों में चाहिए, सारी चीजें हैं इसके अंदर। फजल भाई एक पैर ये है, ये पाकिस्तानी गोल्डन का मगर है, वो मैं जामनी शेड में ये भी है, आंखें इनके बिल्कुल सुर्ख लाल, एक का शौक में करा दे रहा हूँ, ये अकेले हैं तो देख लीजिए आ रही है, ये देखिए पाकिस्तानी ये पेयर है, एक मेरे पास इसका नर भी पड़ा हुआ है, वो टेडियो क्रॉस में का है पाकिस्तानी, वो भी है मेरे पास, उसका भी दिखाया गया, एक एजेड ब्लैक, अब ये शाहजहांपुरी तो नहीं कहेंगे, क्रॉस में है, ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन हाँ कबूतर बहुत अच्छे हैं, इनके पट्टे भी बहुत बढ़िया उड़ते हैं, 3-4 घंटे आराम से उड़ लेते हैं मेरा भाई। फैजल भाई एक पैर ये है, ये सहारनपुरी फुलसरे कल में है, ये इनके पट्टे बहुत अच्छे उड़ते हैं, मतलब गर्मियों में अच्छा रिजल्ट देते हैं, ये सब देखी परखी हुई चीजें हैं, तो जोड़ लगा हुआ है, जोड़ लगाने की जरूरत नहीं है, बस पट्टे, ये सब ब्रीडिंग पेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब उड़ाने वाली चीजें नहीं है, आदमी उड़ा भी सकता है लेकिन उड़ाने के लिए ठीक नहीं है, पेयर खराब हो जाएगा, ये सब बढ़िया बादामी आँख में है दोनों, अब अकेले है इसलिए मैं आँख पंजों का शौक नहीं करा पा रहा हूँ, उतना देख सकते हैं, ये देखिए आप सुर्ख पंजे खुश्क पंजे जो चाहिए, लगभग सारे कबूतर ऐसे ही है, आग पंजे तो इतना शौक नहीं करवा पाएंगे क्योंकि अकेले हैं बना रहे हैं वीडियो, और मैं छत पे किसी को आने नहीं देता हूँ, कबूतर बास खासकर मैं छत पे नहीं आने देता, ये कबूतर है आपका सहारनपुरी।
बहुत अच्छी अच्छी चीजें मेरे पास, मैंने बना के रखी अपने पास, क्योंकि आज मन नहीं है तो इसलिए हटा रहे। फैजल भाई है वही फुलसरे कलदमी में के मेरे सहारनपुर के, जो बताए थे पेड़ दिखाया था मैंने आपको, उसकी एक पट्टी है और उसको छोड़, और ये देवबंदी न लगा हुआ इससे, ये गर्मियों में मेरे 1.5 बजे तक उड़ा हुआ है गर्मियों में, ये देवबंदी न रहे, बच्चे इसके कलदमे पढ़ते हैं फुलसरे कलदमे, ज्यादातर मेरे पास फुलसरे कलदमे ही है और सब बढ़िया चीज। फैजल भाई एक ये है आपका, ये इलाहाबादियों में का है कल्पना कलदमा, ये कल्पना कलदमा है, इससे मैंने मादी लगा रखी है फुलसरी कलदमी, और फिलहाल ये बच्चे पे है और मादी आपको दिखाते हैं। फैजल भाई ये उसकी मादी है, ये हमारे फुलसरे कलदमों में के हैं सब, ये सब घर के पट्टे हैं, इनमें उड़ान बहुत है, आप देख सकते हैं इनकी आंखें गबजूद, इनका सर देखिए आप, बहुत बंद होकर उड़ते हैं, बहुत ऊपर हाइट में उड़ते हैं, ये बिल्कुल छोटी सी कबूतरी, जोड़ एकदम बंद है, पतली हड्डी के मुलायम हड्डी के, जो कबूतर पसंद किए जाते हैं आजकल। अब दोनों मैं आपको साथ में दिखाता हूँ। फैजल भाई एक पैर ये रहा, ये बेदाग का है, इसमें मादा मको है और नर जो है सफेद आंख में तिलवाहा नर है, ये बिल्कुल वाइट है, इसमें सफेद आंख में बिल्कुल है, ये बेदाग पट्टे इनके, इनके भी पट्टे बहुत बढ़िया उड़ते हैं। एक पैर ये रहा और दिखा रहे हैं, ये पैर फैजल भाई ये रहा गर्रा नर है और पुलसरी कलदमी मादी उसी में के है, जो सहारनपुरी वाले पट्टे माँ बाप है, इनके माँ बाप है, तो ये नर है ये मादा है। ये मादा भाई साहब ये मेरे यहाँ से चली गई थी, ये गर्मी में गई थी मेरे यहाँ जून में, तो इसने सुबह 6 बजे उड़ गई थी और दिन भर ये भागती रही, कभी पानी टंकी पे कभी टावर पे, पूरा लोग बहुत उतारने कोशिश किए, भड़की भड़की किए, लेकिन उतरी नहीं। अंततः मैंने दूसरे के छत से इसको रात में पकड़वाया था, मतलब मजबूती बहुत ज्यादा है हमारे इन फुलसरे कलदमों में, कि आप 2-4 दिन छत पे पट्टों को दिखा दें, उसके बाद आप हाँक दीजिए, कोई कहीं जाने वाले हैं नहीं, आएंगे तो आप ही कहाँ जाएंगे या तो फिर पकड़े नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी है। और दिखा रहे ये तो पहचानते ही है आपके घर के हैं, ये नर है ये मादा है, पुखराजी आंख में दूधिया कर रहे हैं, अब इनके पट्टे आप जानते ही कितना बढ़िया उड़ते हैं, आप ही ने भेजा था सब 11 बजे के बाद बैठने वाले गर्मी में, एक पैर ही यहाँ गर्रे का, बहुत बढ़िया उड़ान इनके बच्चे देते हैं। एक जोड़ा फैजल भाई ये है, थोड़ा सर्दी हो गई है, तबीयत नहीं ठीक है, स्वेलिंग भी देखिए मुंह पे है हल्की सी, ये देखिए ये गर्रा नर है और ये कलदमी मादा है, और इनके बच्चे अब बार बार कहना सब उड़ने वाली चीजें हैं फैजल भाई, मैं कुछ ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट नहीं करना है इनको, सिर्फ पट्टे निकलवाए उड़ाए तब मजा मिलेगा। फैजल भाई ये रहा पैर, ये नर है ये मादा, बिल्कुल साफ आंखों के कबूतर जो पसंद किए जाते हैं, ये पैर बच्चे इनके फिर कलदमे पड़ते हैं, कल्पना कलदमे हल्के फूल लिए हुए, और आपको शो करवाते हैं हम कबूतरों का। तो उसके लिए आप सबका दिल से शुक्रिया, और मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, आपका प्यारा दोस्त फैजल खान, और दुआओं में याद रखना भी बहुत जरूरत है आप सबकी दुआओं का।